बात की बड़ी खबर आ रही है कि नाराजगी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनका जरा भी नाराज नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। नीतीश ने कहा कि हमारी इच्छा सबको एकजुट करने की है। नीतीश जेडीयू में टूट की खबरों का उन्होंने जबरदस्त खंडन किया है। सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं गया कन्वेनर? अरे आपको हम बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी। सब बात सोच हमने कहा कि नहीं नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हकीकत कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी हो सीट का बट। यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा एक बस गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए ना, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें। कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है? हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब लोग काम कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम तो घोषित किए थे ना जी, 10 लाख हम बहाल करेंगे, आधा अलग हो तब बोलिए, आधा के करीब पहुंच रहा है, जल्दी से हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। तो कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं एक तरह से कहा जाए तो क्लियर कर दिया है। हमारे साथ अवनीश जुड़े हैं। अवनीश बताइए कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरह से उन्होंने क्लियर कर दी है ये बात अवनीश, कि कहीं ना कहीं कोई भी अटपट नहीं है, कोई जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? तो क्या अब यह माना जाए कि इंडिया गठबंधन में अब सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसके बारे में उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, और उन्होंने जो नाराजगी की खबर थी लगातार जो मीडिया में चल रही थी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बैठक में अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त किया और वो नाराज होकर बैठक से निकल गए, लेकिन आज उस खबर का खंडन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने चुप्पी तोड़ी है इस मामले को लेकर और साफ तौर पर कहा है कि हमें किसी भी पद को लेकर कोई लालसा नहीं है, बल्कि हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए हम जो है हमने जो मुहिम छेड़ी है उस मुहिम को लेकर हम लगातार अपनी बातों को रखते भी हैं, और हम चाहते भी हैं कि विपक्ष मजबूती के साथ जो है एकजुट रहे। देखिए कई चर्चाएं सामने आ रही थी, लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार ये सवाल कर रहे थे कि जेडीयू में टूट होने वाले हैं, जेडीयू दो खेमे में बढ़ जाएगी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है, कोई तोड़ नहीं सकता है। जो लोग बोलते हैं कुछ पद की लालसा के लिए अलग तरह के बयानबाजी करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार की चुप्पी आज उन्होंने तोड़ी है, स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग विपक्ष को एकजुट करने के लिए आए हैं और हमारा जो हमने मुहिम शुरू की है उस मुहिम का वो रंग भी लाएगा। सीट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीट बंटवारे भी हो जाएंगे समय पे, जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठक करेंगे, बात करेंगे और सीट के फॉर्मूले को भी सुलझाने का काम करेंगे। तो अवनीश, जो ऑल इज वेल वाली बात कही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, क्या ये माना जाए कि चेहरे को लेकर, या बार बार खुद अगर हम देखें कि दूसरे बयान में जब आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वो कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, यानी कहीं ना कहीं वो उस तरह से भी सवाल को बदलते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब इंडिया गठबंधन में सब ठीक है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अवनीश बहुत बहुत शुक्रिया।